हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज का सीन कुछ ऐसा है, दिन की रात को खराब गई थी थोड़ी, मतलब नींद नहीं पूरी हो पाई। चलो छोड़ो उस बात को, लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद जो दिन निकलता है बहुत अच्छा निकलता है। देखो, कहना तो नहीं चाहिए कि लक्ष्य दीदी ने मेरे को जूते दिए हैं, क्योंकि बहुत अजीब लगता है, क्योंकि जूते किसी को गिफ्ट नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। पता है आपको इस बात का? ऐसा होता है क्या? हाँ, अब यार मानो तुम्हारी शादी है, परफ्यूम जूते, अब क्या कहूँ मैं, तूने मेरे को क्या दिया, जूते दिए, मतलब समझ रहे हो, टोन कितनी निकलता रही है, जूते दिए, चाहे वो 5 लाख के हो, पर जूते तो जूते हैं ना मेरे। तो देखो, लक्ष्य दीदी ने मेरे को ये जूते दिए हैं गिफ्ट, ये टैग नया है, नाइस। भाई साहब मजा आ गया, क्या बात है। मैं नीचे ना ढूंढ रहा था कि जूते यार है नहीं ब्लैक वाले, मैंने पहले क्या करा, तो अभी नहाया था ना इंटरव्यू से, साफ कर क्या ठीक है, होता मेरा इंटरव्यू है ना, धुलेगा वो तो, सही बात ना। अच्छा, और क्वेश्चन, कपड़ा ही मिला साहब? मिला नहीं ना भाई, जल्दी है, थोड़ी बाहर जा रहे किसी काम से, पर्स तुझे बता दे। अबे चल, शादी नहीं कर रहा। देखो गाइस, ये भाई सच में झूठ मत बोल, अच्छे लग रहे, थैंक यू सो मच। पहले ने मेरे को ना दूसरे जूते दिए, मैंने कहा ले लो, मुझे पसंद आए, कह रहे ये वाले रहने दे, फिर जूते करवा दिए, मैंने कहा लगाए दिल के आंसुओं से बह गए। ये जो दीपक है ना, इस दीपक ने बोला कि आप भैया दूसरे डाल के देख लो क्या भविष्य अच्छे हो, मैंने कहा चलो क्या पता सही कह रहा हूँ। अरे तो मैंने पहना, ये देखो क्या पता, ये तेरी शादी है। अरे क्या शादी, सीधा बोल देना, किसी को बुलाना नहीं घर में से। यार ये जूते हैं बहुत मजा आ गया। क्या लिखा, ओगी ओगी एंड दी कॉकरोच, ओगी एंड दी कॉकरोच, मुझे एडी छिलवा लूंगा, पर कहते नहीं, मुझे कुछ कहते ना तो हो जाता है, एक बार छिला था मेरा पैर, हाथ तक दूर है, क्या पैर तो छिलेगा। अच्छा चलो भाई, अभी चलते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, पता नहीं सकता कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता। तो बना लो तेरे साथ। हाँ जी, हाँ जी, हेलो बाबो बाबो, स्पैरो इसको बोलते, चिड़िया क्या ये, चिड़िया, चिड़िया गई पानी में, चिड़िया गई हवा में, फुर्र, चिड़िया, एक चिड़िया, एक चिड़िया हवा में गई, हवा में गई, फुर्र, फुर्र, गई, फुर्र, चिड़िया दिखा रहा हूँ, पर चिड़िया बैठी है, एक मक्खी, चिड़िया, ए चिड़िया, ए चिड़िया, चले अनु, अनु क्या है, चिड़िया इसको बोलते, चिड़िया क्या बोलते, बोलो चिच्ची, चिच्ची नहीं, चिड़िया, बाहर चले, चिड़िया बोलो, चिड़िया। अच्छा जय जय कर दो, सबको जय जय कर दो, कृष्णा वेरी गुड, बेटा ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं, जय जय बोलो, मुझे बोलो अनु, जय जय, जय जय मक्खी। अच्छा मक्खी परेशान कर रही है इधर है ना, अनु को मक्खी परेशान कर रही है। ये भाई किसकी है, किसकी भाई के बेटा, ये भैया की, बोलो भैया, चीकू बोलो, पापा का है, बिग बॉस, पापा का है, गए बिग बॉस, बिग बॉस में पापा, काऊ, काऊ का है, काऊ नहीं बेटा, ये स्पैरो है, स्पैरो, चिड़िया, 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 चिड़ी, वेरी गुड। ये भाई अयन बहुत इंटेलिजेंट है ना, जी जी, चिड़िया, चिड़िया, चीची, चिड़िया, चिड़िया, दीती नहीं, चिड़िया। चलो चलो चलते, चल बेटे चल, आजा बाहर चलो, अभी टाइम नहीं, चलो गल, हाँ चलो अंदर चलो, चलो ओ ओ ओ ओ, 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 ओ अंदर चल, भाग जा अंदर जल्दी, पकड़ो इसको, पकड़ो 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 पकड़ो, आने को पकड़ो पकड़ो पकड़ो, निक्कर पकड़ के चल रहा पीछे, देखो कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, जाओ मम्मी के पास, मम्मी के पास, मम्मी के पास, मम्मी के पास, येरी मम्मी, येरी येरी अंदर गई, पकड़ो पकड़ो मम्मी को, जल्दी 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 जल्दी, अंदर गई मम्मी, पकड़ो 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 पकड़ो, वेरी गुड, पकड़ो पकड़ो,
बाय 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 बाय। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद। अभी हम आए जिम में पर्दों का मेजरमेंट देने के लिए। आज खुलेगा, बहुत घुटन है। ये देख लो, तुम जिम, वाह भाई वाह, ये देख लो कारनामे। एक तो तुम जिम करते हो, डाइट फॉलो नहीं करते, और तुम जिम में ये खा रहे हो, क्या है ये केक? मैसेज दिखाऊं अभी? दिखाओ। ट्रेनर से पूछ के मैंने खाया है। अच्छा, क्या थोड़ा सा खा सकते हो? तो थोड़ा तो नहीं था, ये पूरी प्लेट भर के खा ली। कम से कम 15 दिन हो गए मैंने रोटी नहीं खाई है। हाय, क्या कहना, क्या चाहते हो? आपको दी नहीं गई या फिर आपने खाई नहीं? खाई नहीं मैंने। अच्छा, खाई नहीं। बहुत ज्यादा नशा हो रहा था कुछ मीठा खाने का। नशे किस चीज के? मीठा खाने का। अच्छा अच्छा, मैं खा लो थोड़ा सा। खाना था ना, बाकी दे दो मेरे को थोड़ा सा। सही है, मेरा क्या है, 45 डेज का मेरा डाइट है, मेरे को 2 दिन मिलेंगे खाने के लिए। अच्छा, खा सकते हो मर्जी खाओ। 45 दिन का मेरा डाइट है भाई। आजकल मैं जिम इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लोग ना जिम सुबह 7 बजे आते हैं और मैं सोता ही 7 बजे हूँ सुबह। तो हाँ, आज तो मैंने जिम आने की पूरी तैयारी में था। तो गाइस अभी आया हूँ मैं छत पे, मतलब बहुत देर होगी पर व्लॉग अभी बना रहा था। सफाई सफाई अभियान चल रहा है, ये देखो सफाई चल रही है क्योंकि आज नए प्लांट्स रखे हैं छत पे। और हम हैं, मैं और केशव टॉप फ्लोर पे, देखो टंकी। ओ भाई, हालत ऐसी होगी बिल्कुल जैसे जिम कर लियो पसीने पसीने। अभी घर की सारी सफाई करवा दी है, दिहाड़ी पहुँचा देना ठीक है। अच्छा बोली, तेरे को थोड़ी ज्यादा मिलेगी। बाय बाय, सी यू, बाय बाय। तो गाइस आज मैं आपको ना एक बहुत खतरनाक बात बताता हूँ। जब पायल भाभी बिग बॉस से घर पे आए थे ना, तो मैंने उनसे पूछा कि अंदर की कुछ बात बताओ, तो पायल भाभी नॉर्मली, मतलब पायल भाभी एकदम बोली कि तेरा नाम तो उसने कटारिया ने भी लिया था, योगेश कथूरिया। मैंने बोला है मेरा नाम तो नहीं लिया, वो क्लिप मैंने देखी नहीं, ऐसी तो कोई क्लिप भी नहीं आई मेरे आगे। बोला कि भाभी बात क्या हुई थी? तो भाभी बोली कि मैंने कटारिया को बोला था कि कटारिया मैंने तेरे बारे में सुना था कि तेरा नेचर है बहुत खराब है, एटीट्यूड है तेरे अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी मैं तेरे से मिली हूँ, बात हुई है, तो मुझे पता चला कि तू अच्छे इंसान है, अच्छे नेचर का। ऐसा पायल भाभी ने कटारे के बारे में मुझे बोला। मैंने कहा ठीक है, और ऐसा भाभी ने वहाँ पे भी बोला, वो क्लिप नहीं लगाई गई बट भाभी ने मुझे ये चीज़ बताई। तो कटारिया कह रहा है कि अच्छा आपको ये बातें उस योगेश कथूरिया ने बोली होगी जो आपके साथ रहता है। तो भाभी ने बोला कि वो ऐसा क्यों बोलेगा, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं कटारिया को जानता हूँ, आज से नहीं जानता, 6-7 साल पहले से जानता हूँ कटारिया, क्योंकि मैंने एल्विश के साथ काम करा। एल्विश मेरा बहुत अच्छा दोस्त था एक टाइम पे, साथ में मैंने वीडियोस करी है। टाइम के साथ ना चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। मेरा यूट्यूब चैनल खुला, मैं सबसे दूर हो गया क्योंकि मेरा फोकस अपने काम पे था, अपने चैनल पे था जब पुराना टाइम था। मैं एल्विश के साथ, जब एल्विश के 50,000 फॉलोवर हुए थे ना इंस्टाग्राम पे, 50,000 फॉलोवर थे, तब से मैंने काम करा है उस बंदे के साथ। मुझे पता है वो बंदा कैसा है, नो डाउट, मुझे सब पता है उसके बारे में। वो बहुत जेन्युइन बंदा है, वो दोस्ती पे जान देता है, ऐसा एक्चुअल में है। मैं उसकी तारीफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस चीज़ में वो है, जो बात जायज़ है जायज़ है। दूसरी बात, तो मैंने बोला होगा, मैंने कुछ नहीं बोला भाई, ना मेरी आदत, मेरी एक भी वीडियो उठा के दिखा दो कि मैंने कभी किसी के बारे में किसी यूट्यूबर की बुराई करी हो जिसके साथ मैं बैठा हूँ उसका होके रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात है। आज कटारिया बिग बॉस में है, कोई दिक्कत नहीं है। आज अरमान भाई बिग बॉस में है, तो मैं अरमान भाई के साथ रहता हूँ, तो मैं अरमान भाई की वीडियो डालता हूँ, भले ही मेरे को लोग गाली दे रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है ना कि अरमान भाई मेरे लिए क्या चीज़ है, वो मेरे लिए क्या कर रहा है। अपने घर में उसने रख रखा है, उस बंदे ने रख रखा है भाई, कौन अपने घर में रख देगा, कोई नहीं रखेगा आज के टाइम में। अगर मान लो मैं एल्विश की बुराई यहाँ पे करूँ, सिंपल सी बात है, मैं कटारिया की बुराई यहाँ पे करूँ, कल को इनके मन में ये बात आएगी ना कि भाई आज ये एल्विश की बुराई कर रहा है, आज कटारिया की बुराई कर रहा है, कल को हमारी भी करेगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं ऐसा बंदा हूँ भाई, मैंने बहुत यूट्यूबर्स के साथ काम करा भाई, लेकिन नमक हरामी नहीं करी, कभी किसी को एक्सपोज नहीं करा। बहुत यूट्यूबर ऐसे एक्सपोज करते हैं व्यूज़ के लिए कि ये ऐसा था, ये ऐसा था। अभी थोड़े दिन पहले एक नाम तो कह लूँ साड़े का, तो ठीक है, उसने भी एक स्टोरी डाली अरमान मलिक ये वो, तो ठीक है भाई, तने बहुत गलत बात बोली था ना स्टोरी लगा के। और तू करेंगे इस बारे में ना, अभी डिटेल में बात करेंगे, बहुत अभी छोड़ो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और भाई यही बात है, कटारिया मेरा बहुत पुराना दोस्त है,
मेरी बात होती रहती थी कटारिया से, ऐसी बात नहीं है, बात नहीं होती। अगर अनुमान भाई बिग बॉस में ना जाते तो मैं पूरा सपोर्ट कटारिया को करता, क्योंकि जब एलविस अंदर था मेरी एलविस से बात होती थी नहीं होती थी, कब मतलब गैप आ गया था बीच में, पर ठीक है, हाय हेलो होती थी, मिलते थे कभी कभार, बाई चांस मिल गया तो सामने से वो भी बोलता था, मैं भी बोलता था, उसको पता है कि योगेश ने मेरे को कितना सपोर्ट करा है, योगेश कैसा बंदा है, ठीक है। चीज़ें किसी और बंदे के चक्कर में ख़राब हुई थी, पर मैंने कभी भी किसी की बुराई नहीं करी, किसी की भी बुराई नहीं करी, ना मेरा ऐसा काम, ना मेरा ऐसा नेचर। थैंक यू भाई।